दोस्तों कबीर खान बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने कैरियर में अभी तक कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है। कबीर खान ने अभी तक न्यूयॉर्क, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी कई बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। साथ ही इनमें से काफ़ी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। आज की इस वीडियो में हम कबीर खान की सभी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, साथ ही इन सभी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कितनी फिल्में हिट रही और कितनी ब्लॉकबस्टर तो कितनी फिल्में फ्लॉप रही। इन सब के अलावा हम कबीर खान की आने वाली फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों कबीर खान ने 1996 में एक डॉक्यूमेंट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी। इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री थी बियॉन्ड द हिमालयाज। इसके बाद 1999 में इन्होंने दूसरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था द फॉरगॉटन आर्मी। ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी पसंद की गई थी। दोस्तों अगर बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म काबुल एक्सप्रेस से कबीर खान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट भी किया था, साथ में इस फिल्म की कहानी भी कबीर खान ने ही लिखी थी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई और फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को 11 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों काबुल एक्सप्रेस के बाद साल 2009 में कबीर खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म न्यूयॉर्क रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, नीलित मुकेश और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म को 28 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया था और फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा इस फिल्म ने दुनिया भर में 78 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस किया था। दोस्तों न्यूयॉर्क के करीब 3 साल बाद यानी साल 2012 में कबीर खान ने सलमान खान को लेकर फिल्म एक था टाइगर बनाई थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ भी नजर आई थी। दोस्तों इस फिल्म को कबीर खान ने ही डायरेक्ट किया था, साथ में फिल्म की कहानी भी कबीर खान ने ही लिखी थी। इस फिल्म को 92 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 186 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। इसके अलावा फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। बता दें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। एक था टाइगर के करीब 3 साल बाद यानी साल 2015 में बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को कबीर खान ने ही डायरेक्ट किया था, साथ में इस फिल्म की कहानी भी कबीर खान ने ही लिखी थी। इतना ही नहीं इस फिल्म को खुद कबीर खान ने ही सलमान खान के साथ प्रोड्यूस भी किया था। दोस्तों इस फिल्म को 125 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और फिल्म ने पूरे भारत में 315 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 969 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इसके बाद साल 2015 में कबीर खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म फैंटम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सैफ अली खान और कैटरीना कैफ नजर आए थे। दोस्तों इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था, साथ ही फिल्म की कहानी भी कबीर खान ने ही लिखी थी। इस फिल्म को 72 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और फिल्म इंडिया में सिर्फ 51 करोड़ रुपए कमाने में ही कामयाब रही थी, बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 84 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फैंटम के बाद साल 2017 में कबीर खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान और उनके छोटे भाई सोहेल खान लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कबीर खान ने ही लिखी थी, साथ ही फिल्म को कबीर खान और सलमान खान दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म इंडिया में 114 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 207 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों ट्यूबलाइट के बाद कबीर खान 2020 में एक वेब सीरीज लेकर आए थे। इस वेब सीरीज का नाम था द फॉरगॉटन आर्मी आज़ादी के लिए। ये वेब सीरीज काफ़ी पसंद की गई थी। इस वेब सीरीज में बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के छोटे भाई सनी कौशल लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों कबीर खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इनकी आने वाली फिल्म 83 है, जो 1983 में हुए वर्ल्ड कप पर आधारित है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ताहिर राज भसीन, साकिब सलीम, एमी वर्क और हार्डी संधू जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म को कबीर खान, दीपिका पादुकोण और साजिद नाडियाडवाला मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले ये फिल्म 10 अप्रैल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
दोस्तों कबीर खान के डायरेक्शन में बनी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।